नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की जो नवीन पुस्तकें सम्मिलित की गई है पाठ्यक्रम में NCERT की, उसमें आरोह और वृतांत। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरोह। आरोह फर्स्ट में काव्य खंड में सबसे पहले हम कबीर को देख रहे हैं। पहला अध्याय है कबीर, उसके पद दिए गए हैं कबीर के, तो कबीर के पद के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें कबीर की संक्षिप्त जीवनी, जीवन परिचय के बारे में बताया गया। तो थोड़ा सा संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ने से पूर्व आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है आरोह और वृतांत। अनिवार्य हिंदी की ये आधार पुस्तक है और ये पूरक पुस्तक है। आरोह प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला अध्याय है काव्य खंड का कबीर, जिसका ये पहला पद है, उसकी व्याख्या हम समझेंगे। कबीर का संक्षिप्त जीवन परिचय हम पढ़ने जा रहे हैं। कबीर का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में हुआ था। इससे पूर्व मैंने आपको बता दिया था वाराणसी के पास लहरतारा तालाब, लहरतारा के पास में, और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कबीर की प्रमुख रचनाएं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। कबीर की प्रमुख रचनाएं बीजक से नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसमें साखी, सबद और रमेली सम्मिलित हैं। मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई और वह निकट मगर के हुई। मगर में बस्ती के निकट, उनकी बस्ती जाने नहीं थी, उसके निकट मगर के स्थान पर हुई। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि, मैंने पहले बता दिया था आपको। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिटेक्टर कहा है। कविताओं में इन्होंने खुद को जुलाहा कहा है, काशी का जुलाहा खुद को संबोधित किया है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं है कि कबीर साक्षर थे या न थे, निरक्षर थे, लेकिन विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं है। अब आप कहेंगे सर साक्षर नहीं थे तो उनके पद आज जो इतने प्रसिद्ध हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, वे क्यों हैं? क्योंकि उनको देशांतर और सत्संगति के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त था, अनुभवों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त था, उसके आधार पर उन्होंने अपने पदों की रचना की। वे ऊंच नीच, जातिपात, वर्ण भेद को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे। धार्मिक समन्वय को वे स्वीकार करते थे, उसके पक्षधर थे। साथ ही कबीर ने, जो कबीर निरक्षर थे, उसका प्रमाण यह होता है कि उनकी स्वयं की लिखी पंक्तियां मसी कागज छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात उन्होंने कभी स्वयं लिखा है कि मैंने कभी कागज को छुआ नहीं और नहीं कलम को कभी हाथ में जीवन भर लिया। अर्थात इससे प्रमाणित हो जाता है कि कबीर विधिवत रूप से साक्षर नहीं थे। किताबी ज्ञान के स्थान पर उन्होंने आंखों देखा अनुभव व सत्संग के ज्ञान को उन्होंने प्रमुख रखा, प्राथमिकता दी। किताबी ज्ञान, उसके बाद जाति भेद, वर्ण भेद सभी को नष्ट करते हुए, समाप्त करते हुए सांप्रदायिक रूप से एकात्मता का भाव उन्होंने अपने पदों में दिया है और उनके हर पद एकेश्वरवाद को, साथ ही एकात्मता भाव और साथ ही वर्ण भेद नीति को समाप्त करना और जाति भेद को समाप्त करने के पक्षधर, पक्ष के रूप में उन्होंने अपने पद लिखे। ये था संक्षिप्त जीवन परिचय। पहला पद है, पढ़ना शुरू करते, पहला पद जो है आपकी, आपने प्रसंग स्वयं लिखना है कि हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित कबीर के पद से लिया गया है, जिसमें कबीर ने अद्वितवाद को स्वीकार किया है। उन्होंने ईश्वर का एक ही रूप माना है,
ईश्वर को साक्षात एक ही माना है। तो इस पहले पद में हमने देखा है कि हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन ही दो जग जिन नाहिं पहचाना, एक ए पवन एक ही पानी, एक ए ज्योति समाना, एक ए खाक गढ़े सब भांडे, एक ए कोहरा साना, जैसे बाली काष्ट की काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गर पाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। इस पद में कबीर ने अद्वैतवाद को स्वीकार किया। अद्वैतवाद, अद्वैत अद्वैतवाद को स्वीकार किया है। अद्वैतवाद को स्वीकार करने के पीछे ये है कि कबीर कहता है कि ईश्वर, कबीर कहता है कि ईश्वर एक ही है, साक्षात एक ही रूप है, उनका अलग दूसरा रूप नहीं है, एकेश्वरवाद के लिए समर्थक थे। अद्वैत का अर्थ है, हम देखो अद्वैत, अद्वैत का अर्थ है कि दो नहीं, दो नहीं, यानी हम इसको खारिज करते हैं, दो पार्ट नहीं, दो भाग नहीं, भगवान ईश्वर क्या है, एक है, ईश्वर एक है। और इस संपूर्ण पद में उदाहरण के माध्यम से उसने बताया है कि ईश्वर एक है। हम तो एक एक करी जाना, कबीर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैंने तो, हम तो एक, मैंने तो एक ही जाना है, एक करी जाना कि परमात्मा एक है, मैंने एक ही जाना है, एक में ही जाना है कि परमात्मा एक है, मैंने ये स्वीकार कर लिया है, मैंने ये जान लिया अनुभव के आधार पर कि ईश्वर एक है, ईश्वर की सत्ता एक है, अर्थात ये वहाँ अद्वैतवाद का समर्थन करते हैं। दो ही कहे तिन ही को दो जग जिन ना ही पहचाना, वे कहते हैं कि लोग, लोग आज के युग में लोग दो ही कहे, जो ईश्वर को दो कहता है, जो दो रूप आजकल ईश्वर के दो रूपों में लोग उनको पूछते हैं, जिनको दो ही कहे तिन ही, जो उनको तिन ही, उनको जो दो कहते हैं को दो जग, वे दो जग यहाँ पर नरक के समान है, आप नरक कह सकते हैं, नरक के समान है, दो जग यानी नरक। यहाँ पर जो ईश्वर को, इस कबीर कहते हैं कि जो ईश्वर को दो रूप मानते हैं वे अपने जीवन को नरक के समान बता रहे हैं, जिन नहीं पहचाना, जिसने ईश्वर को नहीं पहचाना उनका जीवन नरक के समान है, अर्थात वे आत्मा व परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, आत्मा परमात्मा को अलग मानते हैं, अर्थात यहाँ पर कबीर अद्वैतवाद के समर्थक हैं, कहते ईश्वर एक है और जो इनको दो रूप में मानता है वे उनको न पहचान कर अपना जीवन नरक के समान बना लेते हैं। एक ए पवन एक ही पानी, एक ए ज्योति समाना, इस प्रकार वे उदाहरण स्वरूप बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार, अर्थात आत्मा परमात्मा एक है, क्योंकि उदाहरण में कह रहे एक है पवन, इस धरती पर हवा एक है, पानी एक है, ज्योति एक समाना, सभी हवा पानी सभी एक ही तत्व से बने हुए, ज्योति एक समाना, सभी एक ही है, सभी एक ही तत्व से बने हुए, सभी सबका रूप एक है, यानी पवन एक है, पानी एक है, ज्योति सभी एक है, चाहे उसके रूप अलग अलग हो। एक एक खाक गड़े सब भांडे, खाक यानी मिट्टी, आप इसको मिट्टी कह सकते हैं, एक एक खाक गड़े, गड़े यानी रचना बनाना, सब भांडे बर्तन, भांडे अर्थात बर्तन, एक एक कोहरा साना, कोहरा यहाँ पर कुम्हार को कहा गया है, कुम्हार को कहा गया है, एक एक खाक गड़े सब, जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से विभिन्न प्रकार के भांडे अर्थात बर्तन बना लेता है, उनका आकार अलग अलग होता है लेकिन उनमें तत्व जो मिट्टी का होता है वह एक ही होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक जीव में, हर जगह उनमें एक ही परमात्मा का अंश है। जैसे बाड़ी काष्ठ के काटे अग्नि न काटे कोई, अर्थात
जैसे बाड़ी, बाड़ी यानी बढ़ई, बाड़ी यानी बढ़ई, जिस प्रकार बड़ी कास्ट कास्ट है लकड़ी को काट लेता है, लेकिन वह लकड़ी के स्वरूप जलने, लकड़ी को जलाने पर जलने वाली अग्नि को नहीं काट सकता, अग्नि यानी आग को नहीं काट सकता, वह आग को नहीं काट सकता, क्योंकि आग ज्योति का स्वरूप तत्व एक है, यानी वह लकड़ी को काट सकता है लेकिन उससे उत्पन्न होने वाली आग को नहीं काट सकता। सब घटी यंत्री तु ही व्यापक धरे स्वरूप समाना, अर्थात ये उदाहरण प्रस्तुत कह रहे, कबीर कह रहे कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, सब घट में, सब हृदय में, घट यानी हृदय, सब घट में अंतरी, अंदर घट के अंदर तू ही व्यापक, व्यापक रूप में फैला है, हर किसी के घट में, हृदय में तो व्यापक रूप से फैला है। धरे स्वरूपे, चाहे उसने कौन सा भी रूप धारण किया हो, धरे यानी धारण किया हुआ, स्वरूप यानी कोई भी रूप धारण किया हो, चाहे उसके रूप अलग अलग है, आकार अलग अलग है, लेकिन उसके हृदय में परमात्मा का एक ही अंश विद्यमान है, ये उदाहरण उसने दिया है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे नर दरवाना, ये संसार माया को देखकर आध्यात्मिक सुख को ग्रहण करके उसमें उसके लुभावने रंग को देखकर उसमें लुप्त हो जाता है, उसमें मग्न हो जाता है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे नर दरवाना, और माया को प्राप्त करके आज का मनुष्य गर्व से चूर हो जाता है, घमंड से चूर हो जाता है, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, और उसके पश्चात मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसको कुछ प्राप्त नहीं, तो कुछ व्याप्त नहीं हो सकता, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर कहते हैं अर्थात मैं भी ईश्वर के तत्व को प्राप्त हो गया हूँ, ईश्वर को समझ गया हूँ, ईश्वर का एक तत्व, ईश्वर का अद्वित रूप समझ गया हूँ, और उसको समझ कर ईश्वर के प्रति मैं दीवाना हो गया हूँ, यानी वैरागी हो गया हूँ, वैरागी हो गया हूँ, अर्थात ईश्वर के एक केश्वर, एक तत्व, अद्वैत रूप को समझ कर मैं ईश्वर के प्रति वैरागी हो गया हूँ, दीवाना हो गया हूँ, ऐसा कबीर ने कहा है। ये संपूर्ण पद में बस एकेश्वर बात, एकेश्वर बात का यहाँ पर कबीर ने समर्थन किया है, ठीक है। अब इसमें शब्दार्थ वैसे आपको बता दिए हैं, विशेष में आप लिखते हैं ना, आत्मा व परमात्मा को एक रूप में बताया गया है, माया व मोह पर गर्भ की व्यापकता पर प्रकाश डाला है, अनुप्रास अलंकार, एक एक वर्ण आया अनुप्रास अलंकार, कई दो जन जीना नहीं पहचाना, ह का ह वर्ण की आवृत्ति है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। इस तरह से आप पद में ऐसे लिख सकते, पद में संगीतात्मकता है, पद गेय स्वरूप है, गाने योग्य है, विशेष में आप लिख सकते हैं। इस प्रकार इस पहले पद की व्याख्या पूर्ण होगी, कल इसकी दूसरी पद की व्याख्या हम बताएंगे। धन्यवाद।